प्रभु एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन प्रेजेंट हियर। आज हम ड्रीमवेल के स्टूडेंट्स आपके सामने एक स्क्रिप्ट प्ले करने जा रहे हैं। मैं बादल हूँ बर्बादी का, किस्सा हूँ फरियादी का। मैं बादल हूँ बर्बादी का, किस्सा हूँ फरियादी का। जल गया मेरे प्यार का पौधा, रिश्ते सारे रूठ गए। मैंने आगे जाना था पर ख्वाब सारे टूट गए। मेरी ही जात का दुश्मन बना दिया मुझको, मेरी ही जात का दुश्मन बना दिया मुझको। सवाल ये है कि इस नशे ने क्या दिया मुझको, सवाल ये है कि इस नशे ने क्या दिया मुझको। हाँ माँ। हेलो बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। खाना खाया ना मेरे बेटे ने? अरे हाँ माँ, खाना तो मैंने रास्ते में ही खा लिया था। कॉलेज और हॉस्टल तो सब ठीक है ना बेटा? अरे हाँ माँ, कॉलेज तो बहुत बड़ा है और हॉस्टल भी बहुत अच्छा लग रहा है। जरूरत का सारा सामान ले लिया ना मेरे बेटे ने? अरे हाँ माँ, जरूरत का सब सामान ले लिया। देखो बेटा, बहुत अच्छी तरह से पढ़ना, खूब मेहनत करना, मेरा बेटा बड़ा आदमी जरूर बनेगा, है ना? हाँ माँ, अब मैं ना हॉस्टल पहुँच गया हूँ, सामान भी तो रखना है। ओके बेटा। ठीक है माँ। भैया मैं आपका नया रूममेट। अच्छा तू है? जी भैया। भैया नहीं सर, बोल। यस सर। अच्छा सुन, ये पीछे तरह वॉशरूम, कितना बेड और आसपास में जितना सामान है इसको हाथ में लगाइयो। ठीक है सर। वैसे क्या नाम बताया था तुमने अपना? सर मनीर। मनीर? यस सर। कहाँ पे रहता है? सर टंगडार में। टंगडार? यस सर। बस स्टैंड? हाँ रहता हूँ। अच्छा, खाता पीता है क्या कुछ? नहीं सर, ये कुछ तो बहुत गलत काम है, आप भी मत कीजिएगा। चल रहा है, इस कॉलेज में पता चल जाएगा तेरे को क्या सही है क्या गलत। ठीक है। कॉलेज के दिन भी कितने फनी होते हैं ना, ना ही हमें अपनी चिंता होती है, ना ही दुनिया की कोई परवाह। कॉलेज और हॉस्टल का सिलसिला तो यूं ही चलता रहा, पर उसे क्या पता था कि किस्मत की अगली मोड़ पर जिंदगी क्या करवट लेने वाली है। अरे चलो यार, हम स्कूल चलते हैं, हम सब ना लेट हो जाएंगे, चलो। अरे यार कहीं पे भी बैठ जाओ, क्या फर्क पड़ता है। अरे तुमने वो प्रोजेक्ट बनाया जो सर ने दिया था? कौन सा प्रोजेक्ट? अरे सर ने असाइनमेंट जो दी थी बनाने के लिए। यार वो मैं भूल गया। अरे यार मनीर, गुड मॉर्निंग सर, क्या कर रहे हो तुम सब लोग? कुछ नहीं सर। ये क्या बना रखा तुमने क्लास का माहौल? सॉरी सर। जुबान लड़ा रहे हो? सॉरी सर। किस तरह से तुम लोग? अच्छा वो प्रोजेक्ट बनाया किसी ने? नहीं सर। अरे यार आज क्लास के काम ही बंद, सर ने क्लास से बाहर निकाल दिया। चल फिर हम यार पार्टी करेंगे। ड्रोन कैमरा कोई जरूरत है यार? यार हाँ माँ, ठीक तो हो ना? हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो बेटा, मैं वहाँ पर तो नहीं हूँ, पर तुम्हें अपना ध्यान जरूर रखना है। हाँ माँ मैं अपना पूरा ध्यान रखता हूँ। आज इतना उदास क्यों है मेरा बेटा? अरे माँ मैं उदास नहीं हूँ, कॉलेज में थोड़ा काम ज्यादा मिलता है बस। पक्का ना? कॉलेज में तो सब ठीक है ना? हाँ माँ कॉलेज में सब ठीक है। देखो बेटा, अपना ध्यान रखना। ठीक है माँ। ओके बेटा। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा आ गया तू? जी सर। कैसा रहा तेरा? ठीक था सर। और बढ़िया लगा कॉलेज? कॉलेज तो बढ़िया सर, बस थोड़ा काम ज़रा मिलता है। अच्छा और बस ठीक? यस सर। ओ क्या है, दूसरे पे चढ़े जा रहे हो? अरे भाई का बर्थडे है आज। कौन सी पार्टी तुम्हारी? अरे भाई का बर्थडे है। अरे सर ये कुछ बहुत गलत काम होता है सर। ओ पिला इसको ना। नहीं सर, ये कुछ बहुत गलत काम होता है सर। नहीं सर,
नहीं सर। अच्छा ये अच्छा हो, तुम करो एंजॉय, मैं चलता हूँ। ना कुछ शनास, ना कल शनास, ना खुदा शनास हुआ। ना कुछ शनास, ना कल शनास, ना खुदा शनास हुआ। मेरी ही जिंदगी का सदा सत्यानाश हुआ। हाँ मैं मुजरम हूँ, अपनों का इत्तबार तोड़ा। हाँ मैं मुजरम हूँ, अपनों का इत्तबार तोड़ा। इज्जत बेची, कपड़ा बेचा, जूतों तक को ना छोड़ा। जाने मुझ मासूम से ये किसका इंतकाम था। सोचा तो एक शाम थी, पर कभी उस समय का मजा एक जानलेवा लत में बदल गया, पता ही नहीं चला। ये उम्र भी तो होती ही नाजुक है, सही और गलत में फर्क करना ही मुश्किल हो जाता है। अरे सुनो सुनो सुनो, हमारा रिजल्ट आया है, चलो 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 मुश्ताक सर के पास चलते हैं। चलो मैं कमिन सर, तू पहले जा यार। हाँ भाई, क्या नाम है तेरा? सर नसीम। नसीम कौन सी क्लास में है? सर फर्स्ट ईयर। कहाँ पे रहता है? पढ़े लिखे आदमी। अच्छा क्या नाम बताया था तुमने अपना? सर नसीम। तूने तो तीन सब्जेक्ट किए सर, तीन। शर्म आती है कि नहीं आती है? बड़ी तारीफ की बात है ना। हाँ सर, दफा ले यहाँ से। हाँ भाई, क्या नाम है तेरा? सर वसीम। तूने चार सब्जेक्ट किए? चार। चार, चल जा अगली बार और मेहनत करना। सर रोल नंबर 20 सर। नाम क्या तेरा? सर मनीर। तूने तो एक ही सब्जेक्ट किया है, शर्म आती है कि नहीं आती है? पढ़ लिया कर, बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं तुझे माँ बाप। दफा जा मेरी नजरों से। यार मेरे को एक ही सब्जेक्ट पास हुआ यार। चल कोई नहीं, पार्टी करेंगे। और बाबे बस बढ़िया, पता चल रहा है। बड़े दिन हो गए यार, रखाई वगैरह नहीं हो रही है यार कुछ। हाँ यार देखो आ रहे। ओ क्या यार, टहलती टहलती आ रहे हो तुम, बैठ नीचे। एग्जाम हो गया तुम्हारा, रिजल्ट आ गया तुम्हारा? तेरे कितने? तेरे शुद्ध एक ही है यार, एक को देख ले। तूने तो होशों का नाम रोशन कर दिया। इस बात में पार्टी तो बनती है। हाँ पार्टी तो बनती है यार, पार्टी बनती है। रुको मैं तो फोन करता हूँ। कर कर। हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे पैसे चाहिए थे। देखो बेटा, हम कोशिश तो करते हैं ना कि आपको कोई दिक्कत ना हो, पर क्या ना? बेटा तुम ठीक तो हो ना? मैंने किसी गलत काम के लिए थोड़ी ना मांगे थे पैसे, मुझे तो चाहिए थे। बेटा हम कोशिश तो करते हैं ना। रहने दो यार, पैसे नहीं मिले यार, पैसे नहीं मिले यार। नहीं यार मुझे साथ जाना है। नहीं यार, नहीं यार, पैसा कहाँ पे है? पैसा पीना है मुझे। वो तो मर गया। आज मैं तो यहाँ, कल मेरी जगह पे कोई और होगा। मेरे माँ बाप ने मुझे अपने सपने पूरे करने के लिए भेजा, और इस दोस्ती ने मुझे गलत काम पर लगा लिया, और इस नशे ने मुझे मौत के मुंह धकेल दिया। आज हम सबों का मकसद यही है कि ड्रग से बचें
और सिर्फ ड्रग्स से हमारी जिंदगी ही नहीं बल्कि हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए आज हम सब मिलकर आपसे ये गुजारिश करते हैं कि नशा न करें और नशे से हर हाल बचे। शुक्रिया। अभी आपने ड्रीम वैली का देखा ड्रग्स के ऊपर स्किट था, जो आप सभी ने समझा होगा कि हमारे बच्चों की आजकल जो हालत है।